I'll never forget this day. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाइम, आप देख रहे हैं अनबस्टेक। दोस्तों आज जो है NPCI ने अपना खुद का एक ऐप निकाला है जिसका नाम है BHIM। तो चलिए देखते हैं कि इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए NPCI। तो आप नीचे जाएंगे तो आपको जो है BHIM मिल जाएगा। ये देखिए BHIM आपको मिल गया। ये BHIM का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये बेसिकली एक जो UPI बेस्ड ऐप है जिससे कि आपका जो पैसा है डायरेक्टली आपका बैंक के अकाउंट से कट हो जाएगा और आप किसी को सेंड कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली आपके अकाउंट से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरे जो वॉलेट वगैरह है उस पर आपको जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कैश लोड करना पड़ता है, उसके बाद आपको जो है कुछ काम उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जो है डायरेक्टली बैंक से पैसा आपका कट जाएगा। जो मैंने UPI का वीडियो पहले ही बना दिया है फ़ोनपे वाला, उसमें भी ऐसा ही है। तो आपने फ़ोनपे वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। तो थोड़ा बहुत जो है सिमिलर है। तो चलिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ओपन में क्लिक कीजिए। तो आपको सेलेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो अब इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी ये बोल रहा है वेलकम टू BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, नाउ सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग मोबाइल। तो ये जो है मोबाइल पे आ चुका है, उसके बाद एंड्रॉयड में भी है और आईफोन में भी है। तो ये जो कुछ बोल रहा है इसको आप पढ़ लीजिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, आपको वही वाला जो नंबर है आपको फ़ोन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ऐप जो खुलता है। सारा अलाउ कर दीजिए। तो मेरा जो है वोडाफोन में है, तो मैं वोडाफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा वोडाफोन जो है बैंक से लिंक है इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। आप नेट कहीं पर भी चला सकते हैं, आपका ब्रॉडबैंड है ब्रॉडबैंड में वाईफाई से चला सकते हैं, आपका जियो में है तो जियो में भी चला सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाइड हो गया है, मेरा मोबाइल नंबर जो है बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से लिंक्ड है, ये डिटेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे आपको बोला है ये पिन सेलेक्ट करने के लिए 4 डिजिट का पिन, तो मैं अपना पिन जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से अपना पिन सिलेक्ट कर लें और इसे आपको भूलना नहीं है, आपको सब हमेशा याद रखना है। तो मैं पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके बटन दबाइए। इसके बाद ये दोबारा पिन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, दोबारा पिन डालने के लिए बोल रहा है। तो पिन जो है मेरा सक्सेसफुली हो गया। तो ये बोल रहा है कि आपका खाता कौन से बैंक में है, तो यहाँ पे सारे बैंक्स लगभग अवेलेबल है, तो मैं अपना यूनाइटेड बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना बैंक जो है सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये कुछ इस तरह का खुलता है। यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, स्कैन एंड पे कर सकते हो, आपका ट्रांजैक्शन कितना हुआ देख सकते हो, प्रोफाइल देख सकते हो, बैंक अकाउंट देख सकते हो। तो आप जो है यहाँ से अपना डायरेक्टली आपका बैंक से किसी अपना दोस्त के किसी आपका कलीग के बैंक में डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी ATM कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के अलावा, और नेट बैंकिंग का भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐप मुझे उतना खास पसंद नहीं आया है, ये बिल्कुल बेसिक सा ऐप है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इससे अच्छा तो फ़ोन पे वाला मुझे लगता है, जिससे कि आप अपना अकाउंट से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो, अपने दोस्त को भेज भी सकते हो, वहाँ पे वॉलेट पे भी रख सकते हो डायरेक्टली बैंक से, कोई जो है ATM वगैरह ये डेबिट कार्ड वगैरह का ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे को लगता है वही वाला ऐप इससे बढ़िया है। उसके बाद आप देखो आपको कौन सा पसंद आता है, मेरे को ये वाला ऐप पसंद नहीं आया। मैं जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा UPI बेस्ड ऐप सबसे बढ़िया है, तो वो वाला वीडियो देखना भूलिएगा मत। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए आपको ये BHIM वाला ऐप कैसा लगा, और जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।